प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहि गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोत्तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशुंधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई ही गण नायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद्धिदाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावें पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावें सैंस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावें सैंस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहि कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम।
कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाँखें चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखों रोय। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुसलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किस किस रण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नकसिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साईयां, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बांह। ए बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सूजत और न ठोर। परम पिता परमात्मा, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहेब जी, हम सभी पुण्यात्माओं के जनक हैं। ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं, इन्हीं को सत्य पुरुष भी कहते हैं। सत्य पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, पुरुष मीन प्रभु, और सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो। इसी के भाषाभिन्न या पर्यायवाची बहुत शब्द बन जाते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, सत्य पुरुष। ये वो परमात्मा है जो सब ब्रह्मांडों का रचनहार है, और जो बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, जो धानक कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की पहचान कैसे की जा सकती है? परमात्मा की पहचान करने के लिए हमने जो आधार बना रखा था वो ये था
जैसे श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को आरे से दो भाग करवा के जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसको जीवित कर दिया, जिस कारण से हमने भगवान श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान लिया। इसको कहते हैं चमत्कार परिचय, परचा बोलते हैं इसको, परचा परिचय भी शुद्ध हिंदी में परिचय कहते हैं, यानी पहचान प्रभु की। उन परिचयों में जो लक्षणों में से एक ये भी है कि परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है, और दूसरा ये भी है परमात्मा जीव की आयु भी बढ़ा देता है। वो इसके साथ साथ और भी बहुत से गुण हैं, लक्षण हैं, जिनसे परमात्मा की पहचान की जा सकती है। एक भगवान के गुणों में लक्षणों में ये भी आता है कि वो निर्धन को धनी बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है, और एक ये भी पहचान है कि उसके विषय में हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। परमात्मा के गुणों की जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ भी बताते हैं। जिस परमेश्वर के लक्षण, जिस परमेश्वर के सर्वचिन्ह इन सभी बातों पर खरे उतरते हैं, सभी पॉइंटों पर, सभी केंद्रों पर, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। इसके पहचानने के लिए हमने बहुत सा सहयोग लेना होगा, जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ जो बताते हैं भगवान के गुणों की जानकारी, वो हमारे लिए स्वीकार्य होगी, होनी चाहिए और होगी, क्योंकि भगवान की जानकारी हमें सदग्रंथों से ही प्राप्त हुई है। और हमारे जो पहले वाले गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, दुर्गा श्री दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और श्री मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, श्री ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, और वो साथ में संस्कृत भी बोला करते थे। तो हम ये सोचा करते थे कि इन महापुरुषों ने सदग्रंथों को ठीक से समझा है, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत भाषा से परिचित है। तो हमें कोई शंका नहीं रही। क्या शंका नहीं रही? कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हमने इनके प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक आदेश को सिरोधार्य किया, और जैसा भी इन पूर्व के ऋषि गुरु महापुरुषों ने, मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, महंतों ने हमें जो ज्ञान दिया, हमने उसको स्वीकारा। किस लिए स्वीकारा? कि हमने परमात्मा की खोज है, परमात्मा की चाह है, आत्मा का परम सहारा परमात्मा है, और जो आत्मा को सुख मिलेगा वो परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में ये भी है कि परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हमें साप से भी मुक्त कर सकता है, श्राप से, जैसे हमें इन तीन तापों से भी परमात्मा मुक्त कर सकता है। तो ये सभी लक्षण परमात्मा में होते हैं। प्रथम लक्षण जो हमने लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से, एक आरी से दो फाड़ करवा के उसके माता पिता से, क्योंकि पहले साधु संतों के विचारों आदेश का बहुत पालन करते थे, श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, और वो समझते थे कि ना जाने किस बेस में भगवान ही आ गया हो, इसलिए संत के आज्ञा का वो पालन करते थे। उस समय संत लोग जो है बड़े सिद्धि युक्त होते थे। सिद्धि क्या होती है? कि ईश्वरीय भक्ति से, परमेश्वर की भक्ति से उन्होंने कुछ संग्रह कर ली होती है पावर, परमात्मा की ही पावर को
संग्रह कर लेते हैं, जैसे इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर चार्ज कर दिए जाते हैं तो वो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, कुछ समय के लिए बहुत कार्य काम चलाओ कर देते हैं। तो वो पावर है कहाँ से ग्रहण की उसने, थर्मल प्लांट से। तो एक इन्वर्टर थर्मल प्लांट जितना कार्य नहीं कर सकता, इतनी क्षमता उसकी नहीं हो सकती। तो जितने भी ऋषि महर्षि जिनमें सिद्धियाँ थी, जिन्होंने सातों समंदरों को पी लिया फिर वापस छोड़ दिया, जिन्होंने पहाड़ उठा लिए आकाश में उड़ गए, ये इन्वर्टर थे। और जैसे श्री कृष्ण जी ने तामर ध्वज को जीवित कर दिया, सुदामा जी का महल बना दिया, ये श्री कृष्ण तक भी इन्वर्टर थे, वो थर्मल प्लांट नहीं थे। अब ये एक बार ये बात जो दास ने कही है तो ये बड़ी खटकेगी उस व्यक्ति को जिसने आज तक ये तत्व ज्ञान नहीं सुना और लोक वेद से वो रंगा गया है। लोक वेद किसे कहते हैं? जो दंत कथा होती है, सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, एक दूसरे से सुना हुआ ज्ञान, उसको लोक वेद कहते हैं। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी और अर्जुन मोरध्वज राजा के घर चले गए एक साधु रूप बना के। उस दिन मोरध्वज अपने पुत्र तामरध्वज को राज्य अभिषेक कर रहा था और साधु संतों के वहाँ आगमन को बहुत शुभ मानते हैं, ऐसे शुभ अवसर पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाए, उनको प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की जाती। तो श्री कृष्ण जी ने एक माया से, अपनी सिद्धि से एक सिंह बना लिया, शेर बना लिया और दोनों पहुंच गए राजा मोरध्वज के बाग में। जब राजा को पता चला कि साधु संत आए हैं, उनको संदेशा भिजवाया कि आओ महाराज भोजन पाओ, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा स्वयं मुझे हमें आमंत्रित करने आएगा तो हम प्रवेश करेंगे उसके घर पर। राजा को पता चला, मोरध्वज तुरंत चल पड़ा नंगे पैरों और भगवान से अर्ज की, घर पे ले आए। घर पे विराजमान हो जाने के उपरांत आसन दिए और कहा भगवान भोजन पाओ। श्री कृष्ण जी जो साधु रूप में थे, पहचान नहीं पाए थे मोरध्वज, उनको संत मान रहे थे कि जो आज्ञा महात्मा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मोरध्वज पहले हमारे सिंह को भोजन खिलाओ, शेर को, जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। श्री कृष्ण जी साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात सुनो, ये शेर जो है, ये सिंह किसी पशु पक्षी का मांस आहार नहीं करता, ये नरभक्षी है, ये मनुष्य खाता है, मनुष्य का मांस चाहिए, कि जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि कहीं कोई पल्लेदार को पकड़ जावे, उसका मांस नहीं खाएगा, ये मांस खाएगा तुम्हारे एक परिवार के सदस्य का। तब मोरध्वज ने कहा जो आज्ञा महाराज, कि जाओ फिर करो तैयार। अब मोरध्वज ने तामरध्वज और रानी से कहा कि साधु महात्मा आए हैं, उनकी कंडीशन है कि पहले सिंह को भोजन कराना है और शेर मांस मनुष्य का खाएगा, और यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया है कि ये मांस आपके घर के सदस्य का ही खाएगा। मोरध्वज जी ने कहा कि देखो पुत्र स्याना हो गया, युवा हो गया है, राज्य अभिषेक अभी इसको कर देते हैं, ये अपना राज्य संभालेगा, तुम माँ और पुत्र दोनों राज्य करना और मैं, मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं साधुओं के सिंह का भोजन बन जाता हूँ। तब रानी ने कहा देखो मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता स्त्री से पहले उसका पति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन नरक होता है,
मैं नहीं जी सकती। और मेरा काम क्या था? मेरा काम था आपका वंश चलाना। आपका वंश चल गया, अब मेरा क्या काम रह गया? लड़के का ब्याह कर लेना, दोनों पिता पुत्र अपना कार्य कर, राज्य संभालो। बच्चा अयाना है, ये राज काज को ढंग से नहीं समझ पाएगा। आप इनकी हेल्प करते रहना और मुझे मांस, मुझे आहार बनने दो सिंह का। तब लड़का कहता है, तामरध्वज के माता पिता, मैं माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। अभी तक तो मेरी आपने सेवा ही सेवा की है, मैं तो आपकी कुछ सेवा कर नहीं सका, इसलिए मैं सिंह का आहार बनूंगा। आप मुझे पितृ ऋण से मुक्त होने दीजिए। अब वहां भगवान श्री कृष्ण से दो साधु रूप में बैठे थे, उनसे आकर कहा, उन्होंने सारी कहानी फिर दोबारा दोहराई और कहा, भगवान आप ही फैसला कर दो। तब श्री कृष्ण साधु वेश में विराजमान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा और रानी, यानी अपने पुत्र तामरध्वज को आरे से दो फाड़ करें और तुम्हारे पुत्र का मांस ये शेर खाओगा, सिंह खाओगा। जो आ गया, आरा उठा लिया, एक तरफ मां खड़ी होगी, एक तरफ पिता, और लड़का लिया बैठा। और एक बात और कही कि यदि किसी के भी तुम्हारे आंसू आ गए, तीनों में से सिंह भोजन नहीं करेगा। जो आज्ञा आपकी। तो जब वो चीरने लगे, कहा कि इसको दो फाड़ कर दो, बायां लेफ्ट जो है पार्ट ऑफ बॉडी, बायां हिस्सा शरीर का शेर नहीं खाएगा, ये अपवित्र है, केवल दायां हिस्सा ही खाएगा, बायां को फेंक देना, दायां को उठाकर पकाओ, पकाना है। ये बात सुनकर के उसमें आरा चल रहा था, तामरध्वज की आंखों में आंसू आ गए। तो श्री कृष्ण जी साधु वेश में थे, उठकर चल पड़े कि तुम तो रो पड़े भाई, तुम्हारा सही प्यार नहीं प्रभु में, तुम्हारा कच्चा प्रेम है, ये मांस नहीं खाएगा। तब तक तामरध्वज मर चुका था। अब मोरध्वज कहता है कि हे भगवान, बालक था, इसको समझ नहीं थी, मुझे चीर लो, मैं नहीं रोऊंगा। तब रानी कहती है, आप रूठ को मत जाओ, मुझे आहार बना लो, हम नहीं रोएंगे, बालक था। इस बात से वो बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण जी साधु रूप में वापस आकर बैठ गया और लड़के को जीवित कर दिया। तब लड़का जीवित हो गया। तामरध्वज ने कहा कि प्रभु, मैं रोया इसलिए था, मैं कोई इसलिए नहीं रोया था कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच व्यक्ति हूँ कि मैं, मेरा आधा ही बॉडी, आधा ही शरीर आपके काम आया, मैं तो इसलिए रो रहा था। अब उसको जीवित कर दिया। अपुण्य आत्माओं, इन कथाओं से हमने बहुत कुछ सीखना होता है। अब ये तो कुर्बानियां की मोरध्वज जी ने श्री कृष्ण जी के लिए, एक परम संत पूर्ण परमात्मा मानकर। अब उनका कोई से का कल्याण नहीं हो सकता था, ना श्री कृष्ण का कल्याण हुआ, ना श्री कृष्ण उनका कल्याण कर सकते थे। लड़के को जीवित कर देना, इन प्रभुओं में गॉड पावर होती है, जैसे इन्वर्टर वाली, एक इन्वर्टर की अक्षमता होती है, वो केवल दो बल्ब भी जगा सकता है। एक इन्वर्टर की ऐसी अक्षमता होती है कि वो कूलर भी चला दे, दो तीन बल्ब भी चला दे और कोई छोटी मोटी हैंडपम्प की मोटर भी चला दे, आधे उसपोर की, लेकिन फिर भी वो अक्षमता उसकी कंप्लीट नहीं, पूर्ण नहीं होती।
पर्याप्त नहीं है। और थर्मल प्लांट से थ्री फेज की लाइट चला दे, डूंडा ढा देते 10 हॉर्सपावर की मोटर हो और पूरे पंडाल ने चमका दे। तो ऐसे अंतर है इन भगवानों में। अब यहां आप जी के लिए इसका एक निष्कर्ष निकाला है परमेश्वर कबीर जी ने, कहते हैं महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, शर्मांग टाला नहीं मोर ध्वज लख ले। कि संत जब परम संत तुम्हें मिल जावे, उस समय उस संत की इतनी आदर सत्कार और आज्ञा का पालन करना, यदि सिर भी मांगे नाटना नहीं, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लख ले, मोर ध्वज को देख लो। पुण्यात्माओं, अब अकाल गिर गया साधु संतों का इस कलयुग के इस पीरियड में। ये नकली पाखंडी और डोंगी, इनका सत्कार हो गया है और इन्हीं का बोलबाला हो रहा है। इन्होंने बठा बठा दिया भक्ति का और भाव खत्म कर दिया भक्तों का। अब पुण्यात्माओं, इस लक्षण से हमने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर मान रखा था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के जीवित कर दिया। यही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रो रही थी, जो श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन के ब्याही थी, सुभद्रा पुत्र था अभिमन्यु। 500 पांडव रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था और पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, वहां तो पंगा पा दिया जाके, खुद चरवा के जीवित कर दिया लड़का मोर ध्वज का पुत्र, और वहां सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। तो परमेश्वर कबीर जी ने ये बताई है भिन्नता के श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी समझो, विष्णु जी के अवतार, उन्हीं की आत्मा यहां देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और ये केवल 4 भुजा के और 16 कला के भगवान हैं। इनके जो पिताजी हैं वो ब्रह्म है, सरपुरुष भी इसे कहते हैं, वो 1000 भुजा का भगवान है और उसकी 1000 ही कलाएं हैं। तो इस प्रकार इनकी हॉर्स पावर समझो, ये हॉर्स पावर है, ये 16 हॉर्स पावर के हैं, इनका पिता 1000 हॉर्स पावर का है और अक्षर पुरुष है वो 10000 हॉर्स पावर का है और ये परम अक्षर पुरुष सत्य पुरुष, ये इसकी हॉर्स पावरों की कोई गिनती को ना, असंख्य अनलिमिटेड। तो जो कार्य पूर्ण परमात्मा कर सकता है, ये अपूर्ण भगवान नहीं कर सकते। जो कंप्लीट गॉड जो काम कर सकता है, इनकम्प्लीट गॉड नहीं कर सकते। और यही पूरे सदग्रंथों में यही संदेश दिया है, श्रीमद् भगवद गीता जी में यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में, दोनों में ये प्रमाण है। लेकिन 66 वाले को तो इन्होंने गुमा रखा है, वर्जमाने आना कर रखा है, जबकि वर्जमाने जाना होता है। और उसी की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां प्रसंग है कि वो मोर ध्वज के पुत्र को तो जीवित कर दिया, अब सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभिमन्यु की आयु सीमा प्रारब्ध इतना ही था। अब अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी। तो ये भगवान आयु नहीं बढ़ा सकते, इस टूटे फूटे शरीर को ये जोड़ तोड़ कर सकते हैं और इस आत्मा को पुनः स्थापित इसमें कर सकते हैं। जैसे ऐसे ऐसे बहुत से महापुरुषों ने, संतों ने भी किया है, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी थे,
जिसमें सीता जी को निकाल दिया था घर से भगवान श्री रामचंद्र जी ने, वो गर्भवती थी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर उन्होंने शरण ली, वहां रहने लगी, पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद एक दिन जब वो उसका नाम लव रख दिया, जब लव 8-9 महीने का हो गया, वो 1 वर्ष का हो गया, सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाया करती थी प्रतिदिन, और बच्चे को पालने में सुला जाया करती थी, और वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके जाती थी, पिताजी बच्चे का ध्यान रखना, कि जा बेटा मैं ध्यान रखूँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि जी समाधिस्थ हो गए थे और सीता और बच्चे को वहीं लिटाकर चली गई, ये कहकर के पिताजी ध्यान रखना। कुछ देर के बाद उसको ध्यान में आया कि पिताजी यानी ऋषि जी साधना कर रहे हैं, हो सकता है उसकी आंखें ना खुलें, देर तक समाधिस्थ बने रहें, कहीं पीछे से कोई बच्चे को पशु पक्षी उठा ना ले जाए। ये सोचकर वापस बच्चे जाकर बच्चे को उठा लाई। वाल्मीकि जी जब समाधि अपनी साधना से उठे, देखा बच्चा है नहीं। अब वाल्मीकि जी ने देखा कि भी लड़की पहले दुखिया बहुत है और बच्चे के अभाव में या टक्कर मार मार कर मर जाएगी, मेरे से देखा नहीं जाएगा, इसलिए अपनी भक्ति शक्ति से उसने डाब के पत्ते तोड़े, कुश के, कुसा बोलते हैं, कुश बोलते हैं डाब को, एक घास होता है, डाब के पत्ते तोड़े, उनको ऐसे मला और अपनी मंत्र शक्ति से और पुत्र एक लड़का बना दिया और वो लिटा दिया वहां पर 1 वर्ष की आयु का। अब सीता वापस आई, उसने पूछा पिताजी ये दूसरा लड़का किसका है? तब ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चे को गोद में लिए हुए है। तब उसने कहा बेटी ये भी तेरा ही है। तब उसने सारी कहानी बताई कि बेटी तू कहकर गई थी कि बच्चे को ध्यान रखना और प्रतिदिन कहके जाती थी, आज मैं देर से समाधि से उठा तो मैंने सोचा लड़की बच्चे को यहीं लेटा कर गई होगी और बच्चा नहीं है, कोई उठा ले गया होगा पक्षी पशु और बेटी रोएगी, इसलिए मैंने ये एक पुत्र तेरे लिए और अपनी शब्द शक्ति से बना दिया, अब दोनों को पाल। अब सीता ने उन दोनों को पुत्र रूप में पाला, उसका नाम कुश रख दिया, लव और कुश ये दो पुत्र थे। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे चमत्कार जो होते हैं इनको बोलते हैं परिचय, इसको पर्चा बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं। इन चमत्कार मात्रों से हम, इन चमत्कारों मात्र से हम परमात्मा नहीं मान सकते प्रत्येक व्यक्ति को, इसके साथ साथ और बहुत से भी लक्षण होते हैं। पुण्यात्मा, अब हम आपको परमेश्वर कबीर जी के विषय में जानकारी देंगे। इसी के पैरेलल के श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र को जीवित कर दिया। तामर ध्वज को लेकिन अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। एक सम्मन नाम का मनियार था, मनियार, मनियार कहते हैं जो चूड़ी बेचा करते गांव गांव में, कांच की चूड़ियां होती थी, गांव गांव में नगर नगर में जाके वो बहनों को माताओं को चूड़ियां पहनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सत्संग सुन लिया परमेश्वर कबीर देव जी का, भगवान का उपदेश ले लिया, कबीर परमेश्वर जी से उपदेश ले लिया था। सम्मन जी के घर में 3 सदस्य थे कुल, स्वयं सम्मन, पुत्र सेऊ जिसको शिव कहते हैं वैसे सेऊ कहने लगे थे, और उनकी पत्नी का नाम नेक्की था, नेक्की। उपदेश लेकर के ज्ञान से परिचित होकर के बड़ी श्रद्धा से भगवान की भक्ति किया करते थे। नेक्की और सम्मन दोनों
चूड़ियां पहनाने का कार्य किया करते थे। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने बहुत सी ऐसी लीलाएं चमत्कार कर रखे थे तो वो बताया करते थे, जहां भी चूड़ियां पहनाने जाते थे एक पंथ दो काज किया करते थे, चूड़ियां पहनाने का उड़े के दो दो घंटे लग जाते, चार पांच दस बहने आ जाती, उनको सत्संग सुनाया करते थे, उनके हाथ में जैसे धागा लगा हुआ है वो पूछा करते थे कि ये धागा कैसा बांध रखा है, तो बताते थे कि हमने ऐसे गुरु बना लिया है, हमारे गुरु जी हैं। तो पुण्यात्माएँ होती थी, परमात्मा की चर्चा सुनाना शुरू कर देते थे, सम्मान और नेकी अपने अपने स्थानों पर जहाँ जहाँ वो सेवा करने जाते थे चूड़ियों बेचने की पहनाने की। वो कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहब हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, स्वयं सर्वसृष्टि रचनहार स्वयं ही आए हुए हैं पृथ्वी पर हैं। और बताया करते थे कि उन्होंने सिकंदर लोधी राजा की दिल्ली के बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर दिया, किसी से भी नहीं हुआ था, एक गाय मार दी थी तलवार से सिकंदर लोधी ने के मेरे सामने जीवित करके दिखा दे, जब जानो तू अल्लाह की जात है, तो हमारे कबीर परमेश्वर जी ने वो मरी हुई गाय उन सब हजारों के साथ हजारों व्यक्तियों के दर्शकों के सामने जीवित कर दी थी, बच्चा और गर्भ में था दोनों माँ पुत्रों का, चार हिस्से हो गए थे, परमात्मा ने दो थपकी एक एक थपकी लगाई थी आशीर्वाद भरी और दोनों जीवित हो गए थे और दूध की बाल्टी भर दी, गाय और बच्चे को जीवित करके। महर्षि रामानंद जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी के मुंह बोले वैसे औपचारिक गुरु थे, सिकंदर लोधी ने उनकी गर्दन काट दी थी रामानंद जी की, और उनका प्रारब्ध परमात्मा कबीर जी ने बताया था कि ये प्रारब्ध ऐसा ही है, रामानंद जी की मृत्यु सिकंदर लोधी से ही होनी थी, उसके बाद परमात्मा ने रामानंद जी को जीवित कर दिया और आगे अपनी कृपा से उसका आयु बख्श दी। ऐसी ऐसी कथाएं सुनाया करते थे। एक शारदा नाम की ब्राह्मणी थी, उसने परमात्मा कबीर जी से उपदेश लिया था, उसका असाध्य रोग जो प्रारब्ध में लिखा था वो ठीक कर दिया, बड़े पहुँचे हुए परमात्मा संत हैं हमारे गुरु जी, ऐसे ऐसे वो कथाएं सुनाया करते थे। अब नगर के लोग, अब क्या होता था कि वो बहनें विचार सुन के जाती थी, वो अपने पतियों के सामने बताती थी कि ऐसे ऐसे एक मनियार आया था, एक मनियारी आई थी और ऐसे ऐसे बता रही थी, तो उनके पति कहते थे ये सब झूठ बोलते हैं, ये संत पाखंडी होते हैं, भोली आत्माओं को अपने चुंगल में फंसा रखा है, यदि इनके गुरु ऐसे पहुँचे हुए हैं तो इनको धनी क्यों ना बना देते, ये इनके पास ना ढंग से कोई मकान है, ना इनके पास ढंग से कपड़े हैं, हैंड टू माउथ ये जी रहे हैं, इनको क्यों नहीं धनी बना देते। अब बहनें जो वहाँ ज्ञान सुनकर जाती थी अपने पिता की अपने पति के इस तर्क से, फिर वो ये भी कहने लग जाती थी, तो ऐसे दूसरी बार वहाँ चर्चा होती थी उन मनियार और मनियारी के द्वारा, तो वो ये तर्क देते थे कि भी तुम बात तो करते हो बड़ी बड़ी, लेकिन तुम स्वयं भूखे मर रहे हो, कभी तो आटा उधारा ले जाते हो, कभी कुछ उधारा ले जाते हो, तुम्हें क्यों नहीं सेठ बना देता तुम्हारा गुरु। तो वो क्या कहते थे कि हम भगवान से मोक्ष मांगते हैं, हम यहाँ का धन नहीं मांगते। तो वो कहते हैं मोक्ष तो बाद की बात है, पहले तो रोटी भी तो चाहिए। तो उनके जो के संसार के विचारों में और भगत के विचारों में, जगत के विचारों में भगत के विचारों में बहुत भिन्नता होती है, और इसी कारण से तालमेल नहीं बनता, विरोध बना रहता है। अब पुण्यात्माओं, अब परमात्मा की कई लीलाएं बतानी पड़ेंगी इसमें। एक समय
एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का गुरु था, धार्मिक गुरु था। और जब उसको ये पता चला कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग कबीर जी ने ठीक कर दिया, परमेश्वर कबीर जी ने, और सिकंदर लोधी ने बताया कि मैंने अपने हाथों से अपनी तलवार से स्वामी रामानंद जी को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, उसका धड़ से अलग कर दी थी उनकी जो है गर्दन, और कबीर जी ने जीवित कर दिया। इस चीज़ को देख करके शेख तकी के मन में बहुत ईर्ष्या होगी कबीर जी के प्रति कि ये इतना प्रभाव जमा बैठा है राजा के दिल में, अब मेरी दाल गलेगी नहीं। और जब तक मैं कबीर जी को सिकंदर लोधी बादशाह के हृदय से नज़रों से नहीं गिरा दूंगा, तब तक मेरी रीवैल्यू नहीं होगी। इस सोच से, इस दृष्टिकोण से उसने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए, एक दिन राजा काशी से आ रहा था सिकंदर लोधी, साथ में कबीर जी भी थे और शेख तकी भी थे। बनारस से दिल्ली लौटते समय एक दरिया के किनारे रात्रि में पड़ाव कर लिया था। अब शेख तकी ने कहा था, शेख तकी ने कहा कि राजन मैं इसको तब मानूंगा कबीर को कोई शक्ति युक्त है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करके दिखा दे, ये तो जादूगर है, सिकंदर लो आपने उनकी गर्दन काट दी, इसने तुरंत जीवित कर दी होगी, जब जानूं किसी मुर्दे को जीवित करके दिखाए तब मानूं मैं इसको, अन्यथा मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि सिकंदर लोधी हिंदू बन गया है, इसने हिंदू गुरु बना लिया। इस बात का सिकंदर लोधी को पता था कि मुसलमान भोली श्रद्धालु मुसलमान जितने भी हैं वो शेख तकी के प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, इसने एक बार ये आग लगा दी तो तेरा राज्य नहीं रहेगा। चिंतित हुआ सिकंदर लोधी, तो परमेश्वर कबीर जी ने कारण पूछा तो कारण बताया कि ये शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है भगवान, और ये सचमुच वहां दिल्ली में जाकर आग लगा देगा, सब मुसलमानों को मेरे विरोधी कर देगा, मेरे राज्य को खतरा हो जाएगा, मैं इसलिए चिंतित हूँ। ये कहता है कि एक मुर्दा कोई जीवित करे कबीर, तब मैं मानूँ। कबीर साहब ने कहा कि उसको कह दो कि एक मुर्दा ढूंढ लाओ कोई। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के मालिक की रजा, क्योंकि वो अपने भक्त को टेंशन युक्त नहीं रहने देते कबीर परमेश्वर। सिकंदर लोधी को अत्यंत टेंशन होगी थी कि ये तो बात बिगड़गी, यो नहीं माना किसी तरह भी। बहुत कुछ समझाया था कि पीर जी देखो मेरे क्या हालत थी, मैं कितना दुखी था, जलन का रोग मुझे लगा हुआ था और मैं स्वस्थ हो गया, आप जी ने सब जंतर मंतर कर लिए थे, सब वेदों को आपने बुला लिया था, मैं फिर भी स्वस्थ नहीं हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ हो गया, अब मैं इसको कैसे हृदय से उतार दूँ। शेख तकी की तो दूनी भौंट सुकड़गी, उनकी त्योड़ी पड़गी, ठीक है तो इसी को मान ले, अपना गुरु मान ले इसको, मैं कह दूंगा मुसलमानों को। अब इतनी टेंशन होगी राजा को कि वही बात बिगड़गी, तब परमेश्वर ने कहा कि चलो, उसी समय लीला हुई, वो तो कहते सोचल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज, ऐसी हुई रजादाता की कि कुछ कबीले ऐसे हैं वो न तो जमीन में गाड़ते मुर्दे को, न सभा करते, अग्नि में नहीं जलाते, वो क्या करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं, एक घास फूस का एक फ्लोटिंग बना करके, एक बेड़ा सा तैरने वाला लकड़ियों का सूखा, और उसके ऊपर लिटा देते हैं सुसज्जित कपड़े कुपड़े साफ उनको उड़ाकर, और एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और दरिया में अपने रीति रिवाज से उसको प्रवाह कर देते हैं।
ऐसे जल प्रवाह किया हुआ एक मुर्दा आ रहा था। 12-13 वर्ष की आयु का शरीर था उस बच्चे का। अब सुबह सुबह सभी खड़े थे, कोई नहा रहा था, कोई भोजन बना रहा था। किसी ने देखा कि मुर्दा आ रहा है तो शेख तकी ने कहा कि बुला ले तेरे कबीर को, कर दे मुर्दे को जिंदा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि शेख तकी पहले आप प्रयत्न करो, कहीं बाद में ये कहे कि मैं भी कर देता इसको। शेख तकी ने किए जंतर मंतर, वो मुर्दा चला गया 2-3 फरलांग यानी 1800 फुट डाउन स्ट्रीम में, नीचे को जल बह रहा था उधर को। तब शेख तकी ने कहा कि ये चाहता था कबीर जी कि मेरे सिर से बला टल जाए, मुर्दे कभी जिंदे होते वो तो कयामत के समय होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ठीक है, ऐसे इशारा किया था मालिक ने उस मुर्दे को जो जा रहा था नु बह करके, उसको ऐसे कर दिया, वो वापस चल पड़ा जैसे इंजन वाली नौका वापस चल पड़ती है दरिया के फलों के विपरीत, बहाव के विपरीत, ऐसे अपस्ट्रीम को और आ गया और वहाँ आकर के रुक गया जहाँ कबीर परमेश्वर विराजमान थे, खड़े थे, आए हैं, उपस्थित थे। मुर्दा से ऊपर रुका हुआ है जैसे नौका हो और नीचे से दरिया की तरंगे बह रही हैं, लहरें। तब परमेश्वर ने कहा कि हे जीवात्मा, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे जीवात्मा, जहाँ भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर, मुर्दे मर वापस आ जा तू। एकदम वहीं से वो आत्मा वापस प्रवेश हुई और वो लड़का जीवित होकर के बाहर आके परमेश्वर कबीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब सभी ने, उपस्थित व्यक्तियों ने कहा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक थे और राजदाबीर सारे थे, तब उन्होंने कहा कि हे कबीर जी, आपने तो कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया, और 12-13 वर्ष की आयु का पुत्र था, लड़का था किसी का, वो अपने पुत्र के रूप में परमेश्वर ने पाला पोसा, उस पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी को भक्ति दी, अपने पास रखा पुत्र रूप में। ऐसे ही शेख तकी ने एक दिन कहा, भाई ये तो नई बात बनी, ये तो इसका तो जो नजरों से नहीं गिरा राजा के, तो उसने स्कीम बनाई अपने मुसलमानों से सबसे मिलकर, कहा कि भाई ये जादू जंतर करता है और लड़का जो जल प्रवाह कर दिया गया था वो जीवित था, वो सदमे में था, और सदमे वाले कोई जादू जंतर करने वाले जीवित कर ही देते हैं, भाई इसको हम तब मानेंगे, ये अल्लाह की जात है, इसमें कोई शक्ति है, मेरी पुत्री जो कब्र में दबा रखी है, शेख तकी पीर की पुत्री, कुछ दिन मरे हो गए थे उसको और वो कब्र में दबा रखी थी, 1 महीने या 20 दिन या जीते 2 महीने की 6 महीने थी, और कहने लगा जब जानो मैं इसको, मेरी बेटी को जीवित करके दिखा दे। फिर वही समस्या पैदा करती, सिकंदर लोदी फिर टेंशन में। कबीर परमेश्वर ने कहा कि टेंशन ना करो राजन, कह दो इसको, शेख तकी को कह दो कि मुनादी करवा दे, आसपास अनाउंसमेंट करवा दे कि आज से तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी जो कब्र में दबी हुई। सब जगह डंडोरा मुनिवाद करवा दी, डंडोरा पटवा दिया, मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दी, कई हजार व्यक्ति आकर इकट्ठे हो गए उस निश्चित दिन को, कब्र फड़वा दी, बच्चे का शरीर सूखा पड़ा था। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तू भी कर ले ट्राई, कदे फिर बाद में नहीं कह मैं जीवित कर दूँ। तो उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि भगवान अगर ये कुछ करने योग्य होता अपनी बेटी ने कौन मरने देता, इसके पास कुछ नहीं है, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की तू जीवित हो जा। वो जीवित नहीं हुई। दोबारा फिर कहा परमात्मा ने कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा, नहीं जीवित हुई।
अब सेख तकी ने बंगड़ा पा दिया, नचर कूद, क्या देखा, ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, अब कर देना जीवित, अब कर देना जीवित। अब उस सेख तकी पाप आत्मा को अपनी पुत्री के जीवित न होने का गम नहीं था और परमात्मा की प्राज्य की खुशी मना रहा था। कहते हैं, राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और ये मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। तब परमात्मा ने क्या कहा कबीर जी ने, कि हे जीवात्मा जहां भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ जा और इस बच्ची के शव में प्रवेश कर और जीवित होके बाहर आ जा। इतना कहते ही उस शरीर में हलचल हुआ, ऐसे कंप कपी, और एकदम वह बेटी खड़ी हुई। 12-13 वर्ष की उम्र की आयु थी उस समय उस लड़की की भी, और बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर को। सबने कहा कमाल कर दिया भगवान, कमाल कर दिया। कोई 1000 व्यक्ति इकट्ठे थे, देख रहे थे इस दृश्य को, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया, अपनी बेटी के रूप में अपने पास रखा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने 1.5 घंटा तक प्रवचन किए कि मेरा और शेख तकी जी का जितना संबंध था पुत्री और पिता का वो समाप्त हो चुका था, मेरी आयु मनुष्य की शेष नहीं थी। अब उस लड़की ने कहा कि हे श्रोताओं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर अल्लाह है, ये अल्लाहु अकबर हैं, ये स्वयं उतरे हैं। अपने पिछले जन्म की कई कहानी सुनाई कि पहले जन्म में मैं एक राबिया नाम की लड़की थी, ये परमात्मा मुझे वहाँ भी मिले थे। 4 वर्ष मैंने इनकी भक्ति की थी, फिर वह साधना त्याग दी थी, लोक लाजमा आ गई थी, उसके कारण मुझे फिर एक और मनुष्य जीवन मिला बंसुरी का, और तीसरा जन्म मुझे आज ये कमाली का मिला था। ये भी मेरा उस भक्ति के, उस 4 साल की भक्ति जो मैंने की थी उसके कारण ये 2-1.5 मेरे अनमोल जन्म मुझे मिले थे, और अब मेरी कोई शेष जीवन नहीं था, ये पूर्ण परमात्मा आए हैं। मैंने भी गलती की थी लोगों, अब मैं बोलूंगी नहीं इस भगवान को, इन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है और मुझे पिछला ज्ञान हो गया है। उसके बाद वो लड़की ने धिक्कार दिया शेख तकी को कि तू मनुष्य नहीं शैतान है, भगवान आए हैं तो ईर्षा कर रहा है। वो कहता है इसने मेरी लड़की को बहका लिया, जंतु जंत्र कर दिया, इसमें कोई प्रेत छोड़ दिया, इसकी ओर ही बोल रही है, माना नहीं वो नालायक। लेकिन अन्य हजारों, कोई हजारों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों ने परमात्मा की जय जयकार की और नाम लिया, उपदेश लिया और शिष्य बन गए। अपुनात्मा, परमात्मा की परिभाषा को समझने के लिए बहुत से प्रमाण आपको देने पड़ेंगे, और तभी हम भगवान को पहचान सकेंगे। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर को, हम अपना कल्याण नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमें कोई ना कोई भ्रमित कर ही देता है। काल का दूत कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुना देगा जिससे आपको विचलित कर देगा, लेकिन इन प्रमाणों से आप विचलित नहीं हो सकते। अब ये कमाल और कमाली बेटा और बेटी के रूप में परमात्मा के पास रहे। कबीर परमेश्वर का कोई पत्नी नहीं थी, उन्होंने कोई विवाह नहीं कराया था, 2 माता-पिता थे, मुंह बोले उनका जन्म माँ से नहीं हुआ था। कमल के फूल पर बनारस में लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर विकसित कमल के फूल पर परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नामक एक दुल्हा दंपत्ति से उठा ले गए थे, जुलाहे का कार्य करने लगे बड़े होकर के लीला में, अपने जो प्रत्येक युग में करते हैं उनका विधान है और जिसका वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसा ही करता है, वो ऐसा ही किया करते हैं। तो उसके बाद अब कमाल जब 20-22 वर्ष का हो गया, कमाल के मन में इतना अभिमान हो गया कि मैं जो परमात्मा कबीर जी की सेवा करता हूँ ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। ये पता चला कबीर परमेश्वर जी को, उनके सामने भी उसने 1-2 बार ऐसी ढिंग आंख दी
जैसे कोई कोई सेवा कर रहा था, कबीर जी ने उनको टोक दिया, बेटा ऐसा नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे करो, तो उठकर कमाल जाता था, उसको ठीक रहता था। तो दो चार बार वो ऐसा होने से उसने ये मान लिया कि जो सेवा मैं गुरु जी के जो अनुसार कर सकता हूँ, जिससे ये प्रसन्न रहते हैं, कोई नहीं कर सकता। अब ये अभिमान जीव का शत्रु होता है, किसी को सेवा का अभिमान हो जाए, चाहे किसी को दान का हो जाए, और चाहे किसी को अन्य कोई और क्रियाओं से राजपद का हो जाए, तो ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। और परमात्मा ने सोचा ये बालक बिगड़ेगा, इसके अभिमान का अंत करना चाहिए। जैसे अर्जुन को यह अभिमान हो गया था कि भगवान जो मैं आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपका जो ऐसा शिष्य हूँ, शायद ही पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की फड़क निकालनी चाहिए थी, इसलिए मोर ध्वज से ये प्रश्न किया था कि भाई तू तो अपने बेटे का मांस मेरे शेर ने खिला दे। अब जब उसने देखा था अर्जुन ने किस उत्तरे की, मैं तो पश्चिम भी कौन है इन महापुरुषों का जिन्हें परमात्मा के लिए पूरा परिवार ने छावर है, सिकुड़ गया था अर्जुन वहाँ पर जब श्री कृष्ण ने कहा था बोल भगत तू क्या कह रहा था कि मेरा जितना कोई सेवादार नहीं। तब अर्जुन ने कहा भगवान मैं तो पश्चिम भी कौन है इनके, तो समझ गया अर्जुन के भगवान आपने ये सारी लीला मेरी फड़क निकालने के लिए की थी। वो भी इंसान होता जो मान ले समझ ले इस पॉइंट को। तो फिर क्या हुआ कि इस परमात्मा कबीर जी ने इस कमाल की फड़क निकालनी थी। बहुत बार संदेश भी किया बेटा सेवा तो सभी भक्त करते हैं, कुछ लोग दिखावा गणा कर देते हैं, कुछ ना करते हैं। तो फिर भी वो कहता था नहीं जी मेरे जैसी सेवा आपकी इनसे बन नहीं पाएगी, मैं तो आपकी हर क्रिया से परिचित हूँ। परमात्मा बोले भाई ठीक है। एक दिन भगवान कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि अभी मैं भक्तों के या घरों पर चलेंगे, किस दूर संभाल के आते हैं अपनी फसल को, कौन कौन चलेगा? एक तो बाजीद जी और एक कमाल। कमाल कहने लगा महाराज जी मैं तो आपके साथ अवश्य चलूँगा, आपकी सुविधाओं का सब ध्यान थोड़े रख सकते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी बोले ठीक है बेटा चलो। अब वो फरीद जी ना वो वाजिद जी जिसने राज त्याग दिया था, मुसलमान थे वह, और जंगल में जाकर बैठ गए थे, वहाँ भी परमात्मा उनको मिले थे। बेटा घर त्यागण थे राज त्यागने से और जंगल में कुटी बना लेने से परमात्मा प्राप्ति अल्लाह प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपकी साधना ठीक ना होगी तब परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया था, उसके बाद वो मालिक के पास आ जाते थे, सच सुनते थे और फिर अपनी कुटिया में चले जाते थे।